हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लास्ट क्लास हमने एक्टिव एंड पास वॉइस कर लिया है बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है आपने एक्सरसाइजेस भी कर लिए हैं नहीं किए है, तो एल में जाओ और फटाफट और एक्सरसाइजेस सॉल्व करो ये चैप्टर को एक बार में खत्म करो ठीक है बहुत कोई बहुत महान चैप्टर है नहीं है एकदम बेसिक ग्रामर है हम बस लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करते ही हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है हमने इसका आ, सारा वो सब भी देखा है एनालिसिस की इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए कितना आता है जनरली फर्स्ट पेपर जो था उसमें कितना आया था वो सब एनालिसिस है जो हमारे बच्चों को भी ड्राइव पे दिए हुए हैं और हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है एनालिसिस ऑफ बी सी आर पेपर टू थाउजेंड एटीन में का पेपर उसको भी आप जाकर देख सकते हो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पेपर की ठीक है चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपने बचपन में कर रखा है अगर कोई वेनाकुलर मीडियम से हो और नहीं कर रखा है तो घबराने वाली बात नहीं है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का एकदम बेसिक डिफ्रेंस क्या बताओ डायरेक्ट स्पीच मतलब चलो आज आप और मैं बात करें एकदम सिंपल जैसे कॉन्वर्सेशन करते चलो वैसे कॉन्वर्सेशन करें आप कैसे हैं आप बोल रहे हो सामने से मैम मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो तो ये क्या है डायरेक्ट स्पीच हम लोग जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं अब आपने आज मुझसे बात की अब घर जाकर अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि आज मैंने आज मैं मैम से मिली और मैम ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूं तो मैंने मैम को जवाब दिया कि मैं तो अच्छी हूं मैम आप बताइए आप कैसे हैं तो क्या आपने अपने घर पे जाके एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्डिंग बताया जो मैम ने आपसे कहा और जो आपने मैम से कहा मैं सेम बात की बात नहीं कर रही सेम बात तो आपने बताई कि हमने ये एक दूसरे से इस टाइप के सवाल किए बट क्या आपने एग्जैक्ट वर्ड वर्ड टू बताया नहीं वो थोड़ी ना पॉसिबल है एक एक वर्ड बताने की और जरूरत भी क्या है तो जो हमने बात की वो है डायरेक्ट स्पीच और जो आपने घर पर जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी उसको बोलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच अब हम लोग जनरली घर पे क्या है घर पे फ्रेंड से किसी और के बारे में बात करते हैं ना मैंने उसको ऐसे बोला उसने मुझे ऐसा कहा फिर मैंने ऐसा कहा फिर उसने ऐसा कहा वो सब होता है इनडायरेक्ट स्पीच और जो हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है आगे हम लोग पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा ओके वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज वी कैन कोट द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर Which is भाई जो हमने बात की थी, अगर आप उसको वर्ड टू वर्ड कोट कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा और वी मे रिपोर्ट दैट वॉट वो सेट विदाउट कोटिंग द स्पीकर वही जो हमने अभी बात की क्या आप घर पर जाके बता रहे हो कि ऐसी, ऐसी 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 बात हुई थी अब एक एक वर्ड सेम बताने की क्या जरूरत है दिस इज कॉल्ड इन डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट को डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी इनडायरेक्ट स्पीच को बोला जाता है ठीक है तो कन्फ्यूज मत होना अच्छा डायरेक्ट स्पीच कब यूज करते हैं अरे बात करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में ही तो करेंगे ना तो एक तो कन्वे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर अगर आपको किसी को बताने कि उसने मुझे पता है क्या कहा उसने मुझसे ऐसे पूछा क्या तुम अभी भी राहुल से बात करती हो उसने मुझे एग्जैक्ट ये लाइन बोला तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में बताना भाई उसने एग्जैक्ट क्या बोला टू सप्लीमेंट एंड क्लारीफाई द इन्फॉर्मेशन दैट इज बींग रिपोर्टेड अब जैसे आपने ये अपनी फ्रेंड को बोला कि आपके सो एंड सो कोई थर्ड पार्टी से रिया बोल के एक लड़की उसने आपको पूछा कि क्या तुम अभी भी राहुल से बात करती हो आपने जाके अपनी फ्रेंड को फटाफट फोन -फड़ किया पता है श्रेया ने श्रेया आज रिया ने मुझसे क्या पूछा कि क्या तुम अभी भी राहुल से बात करती हो फिर श्रेया ने आपको बोला आर यू श्योर रिया ने तुमको यही बोला क्या तुम राहुल से अभी भी, भी बात करती हो एक्सैक्ट एक एक वर्ड छाप के बोला तो अगर किसी को सप्लीमेंट या क्लैरिफाई भी करना है कि क्या सही में ऐसी ऐसी बातें कही गई तो डायरेक्ट स्पीच यूज हो सकता है ठीक है बहुत ही पकाऊ वाली बातें हैं ये सब इतना हमें घुसना नहीं है तो ये सब हमें पता है ये सब तो जनरल नॉलेज है आई विटनेस अकाउंट्स इन न्यूज स्टोरीज हाँ अगर जैसे आई विटनेस होता है ना और कोई केस लड़ा जा रहा हो किसी के खिलाफ कोई सबूत मिला है कोई आई विटनेस है कि हाँ देखा है मैंने उसको मर्डर करते हुए मर्डर करते टाइम वो एग्जैक्टली ये ये बात बोल रहा था तो डायरेक्ट स्पीच बताना पड़ता है इंसर्टिंग डायलॉग्स एंड नरेटिव एंड स्टोरीज डिफाइन्स कैरेक्टर्स अब जैसे हम कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं देखा आपने कॉमिक बुक्स आजकल के बच्चे पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग तो जब बहुत छोटे थे तब उस समय हमारे पास टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स तो थे नहीं गेम खेलने के लिए तो आ, हमारे पास कॉमिक बुक्स होते थे जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स बने होते थे और वो लोग आपस में बात कर करें तो क्या बात करें वो इस तरीके से बबल रहता था और बबल के अंदर लिखा हुआ रहता था तो वो जोक्स टाइप के भी होते थे तो भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच ही उसमें यूज किया जाता था ठीक है ओके हाँ जब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिपोर्ट हो रही है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट्स मस्ट बी स्टेटेड इन डायरेक्ट स्पीच मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या होती है मैम देखिए जब कहीं भी कॉर्पोरेट कंपनीज uh, में या बड़े बड़े कंपनीज में या आपके uh, कोई भी गवर्नमेंट मीटिंग्स में जहाँ भी कॉरपोरेट मीटिंग्स हो रही है वहाँ पर मीटिंग्स है ना हमेशा रिकॉर्ड की जाती है रिकॉर्ड एज इन टेप नहीं जैसे लिखा जाता है कि आज ये बात हुई ये बात हुई जब भी में मीटिंग हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं बड़े बड़े मीटिंग्स के तो सपोज सारे डायरेक्टर्स बैठे एक बंदा है जो बैठे माइ मिनट्स नोट कर रहा है वो लिख रहा है कि क्या क्या बातें हो रही है उसने उसको ये बोला, उसने उसको उसको ये ये बोला बोला फिर फिर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ वैसे पूरा मिनट्स बनाया जाता है ठीक है उसको बोलते हैं मिनट्स लिखना नॉट वो घड़ी वाला मिनट्स इसको बोलते हैं मिनट्स लिखना ठीक है तो जब भी मिनट्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि डायरेक्टर ने ऐसा ऐसा बयान दे दिया है कि कल से ये प्रोडक्ट का लॉन्च बंद ऐसा बोल दिया है या कल से ये डायरेक्टर बदली हो जाएंगे कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया है तो वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाना चाहिए ओके वाइल रिपोर्टिंग स्पीचेज मैनी डायरेक्ट कोर्ड्स आर इंक्लूडेड टू कन्वे द एसेंस ऑफ स्पीकर मैसेज डायरेक्ट कोर्ट्स मतलब वही कि डायरेक्टली स्पीकर uh, ने ऐसा ऐसा बोला जो बहुत मायने रखता है आपने कोर्ट्स पढ़ा है uh, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर के कोर्ट्स होते हैं मैं आपको बीच बीच में जरूर लिखवाऊंगी मेरे पास पूरी डायरी भरी पड़ी है कोर्ट्स की कि वो कोर्ट्स पढ़ो तो बस लगता है कि यस आई वांट टू डू दिस इन लाइफ तो कोट्स पढ़ने से बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कॉन्फिडेंस भी मिलता है प्लस जीने का कुछ जीने का क्या बोले उसको जीने का एक्चुअली मैसेज मिलता है कि, कि किस तरीके से जीना चाहिए तो कोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स जरूर पढ़ने चाहिए अब आलतू फालतू कोट्स बहुत आते हैं फेसबुक पे या इधर उधर सोशल अकाउंट्स पे मैं वो सब की बात नहीं कर रही हूँ जो काफी बड़े बड़े राइटर्स ने बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर्स ने लिख के गया है वो वो कोर्ट्स की बात कर रहे हूं ठीक है मैं आपको जरूर कोर्ट्स बताऊंगे तो डायरेक्ट कोट्स भी डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है तभी आप देखते हो hmm, कहाँ चले गए हम आई वो सी कि डायरेक्ट कभी को भी कोई बड़े स्पीकर का कुछ भी लिखा होता है ना कोटेड ऐसा 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 लिखा होता है तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स दिए जाते हैं इन्वर्टेड तो कॉमर्स जो होते हैं ना दीज डिनोट कि ये डायरेक्ट स्पीच में बोला गया एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने कहा था वो लिख के हमने दिया है भाई आपको जैसे न्यूज पेपर्स वगैरह में आप देखते हो कि कभी भी बड़े किसी ने बयान दिया है तो अगर इस तरीके का इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वर्ड टू वर्ड ये बोला गया एंड दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच एंड नॉट इनडायरेक्ट स्पीच ओके स्क्रिप्ट्स ऑफ प्लेस एंड फिल्म्स यूज डायरेक्ट स्पीच ओब्वियसली मूवी वगैरह में क्या होता है मूवी वगैरह में तो डायरेक्ट स्पीच ही होता है हीरो hero, हीरोइन से इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ी बात करता है हीरो hero, हिरोइन से तो डायरेक्ट स्पीच में बात करता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ये सब जो भी डायलॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्ट में पहले लिखे जाते हैं तो स्क्रिप्ट में डायरेक्ट स्पीच ही लिखा जाता है ये नहीं लिखा जाता कि हीरो hero, हीरोइन से ऐसा बोलेगा कि क्या तुम मुझसे प्यार कर ऐसा नहीं पूरा लिखा हुआ रहता है कि डायरेक्ट इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स रहते हैं उसके अंदर उनका डायलॉग्स लिखा हुआ रहता है तो अभी क्या करना है किस में लिखा हुआ है ओके यूज ऑफ इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच ठीक है इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ यूज होता है इट इज इम्पॉसिबल एंड टायरिंग टू कन्वे कॉन्वर्सेशन इन डायरेक्ट स्पीच टू एनी वन ऑब्वियसली यार अब फ्रेंड्स फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं आपस में आप लोग भी तो करते हो सबको ही करते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपस में सारे दिल की बात करते हैं मैं उससे मिली उसने ये बोला आज उससे ये बात हुई वो हुई वो हुई जो भी है बड़ा गॉसिप किसी को करना हो बड़ी बातें करनी हो तो बातें तो इतनी कितनी आप डायरेक्ट स्पीच में बताओगे एकदम वर्ड टू वर्ड कोट करके तो ऐसे नहीं बात होती है ना तो, तो इन डायरेक्ट स्पीच में बात होती है उसने मुझसे ऐसा कहा फिर मैंने ऐसा कहा फिर वहाँ उसने बोला होगा शायद ऐसा कहा जो भी है इन डायरेक्ट स्पीच में बात की जाती है टू अवॉइड लेंगे एंड कन्फ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा आप अगर बहुत ज़्यादा बातें करनी है डायरेक्ट स्पीच में तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल एक एक चीज़ अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो मतलब वर्ड टू वर्ड सेम है इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनता है भाई स टू द रिपोर्टिंग अगर किसी ने बहुत ज्यादा बातें की है हमने छोटा करके उसको इंडायरेक्ट स्पीच में बता दिया है तो वो भी अच्छी बात है मोस्ट पर्सनल इंटरक्शन यूज रिपोर्टेड स्पीच टू कन्वे मैसेजेस कॉन्वर्सेश बोला गया है कि बहुत सारे पर्सनल इंटरैक्शन ऑफिस इंटरैक्शन ये सब भी तो इंडरेक्ट स्पीच में ही होते हैं ठीक है जनरली रिपोर्ट ऑफ स्पीचेस स्पीच किसी ने दिया है तो उसको अगर एक आर्टिकल बनाने का ऐसी ऐसी बातें हुई तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट ही यूज करते हैं टू रिपोर्ट व्हाट टू हु सेड व्हाट एंड वेयर फाइन सब हमने पढ़ लिया अब हम लोग आते हैं काम की बात पर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है चलो देख लेते हैं शी सेड आई एम बिजी टूमोरो उसने कहा आई एम बिजी टूमोरो तो चलो कुछ चीजें हम इस सेंटेंस के बारे में नोट कर लेते हैं शी सेट ये दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है मतलब डायरेक्ट स्पीच है ये कन्फर्म है आई आम बिजी टूमारो ऑब्वियसली वो बोल रही है और वो उसके एक एक वर्ड को हम कोट कर रहे हैं हाँ कि उसने ऐसा ऐसा कहा तो उसने तो आई वर्ड का यूज इस्तेमाल किया है तो शी सेट आई एम बिजी टमोरो अब यही चीज आपको अपने फ्रेंड को बता रहे हैं पता है उसने क्या कहा उसने बोला कि वो कल बिजी है आपने ये कहा कि उसने ये बोला कि मैं कल बिजी हूं नहीं उसने ऐसा बोला कि वो वो कल बिजी बिजी है ना तो तो जब इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं शी शी दैट द नेक्स्ट डे बाप रे बहुत सारे चेंजेस आया क्या क्या चेंजेस आया एक तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है वो गायब हो गया फाइन इन्वर्टेड कॉमर्स खाली डायरेक्ट स्पीच में रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं रहेगा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच की फाइन एक नया वर्ड इंसर्ट हो गया दैट जो इसमें नहीं है ठीक है उसने क्या कहा उसने ये कहा की तो ये की जो हिंदी में आ रहा है उसके जगह दैट यूज हो गया फाइन और देखे हम लोग और क्या क्या चेंज है आई जो है वो बन गया शी ऑब्वियसली ना डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या वो जब बोल रही थी तो उसने ऐसा बोला मैं कल बिजी हूं लेकिन जब हम किसी और को बता रहे हैं तो उसका क्या मतलब है उसने कहा कि वो कल बिजी है तो ये आई चेंज हो गया शी में आम चेंज हो गया वॉज में ऑब्वियसली आम जो है वो तो शी के साथ नहीं लगता वो तो आई के साथ ही लगता है लेकिन आई के साथ आम लगता है तो शी के साथ तो क्या लगना चाहिए इज लगना चाहिए ना तो इज क्यों नहीं लगा वॉज क्यों लगाओ इसका जवाब कोई दे सकता है कोई बात नहीं इसका जवाब अभी नहीं दे पाओगे तो बाद में जरूर दे पाओगे आई एम बिजी टूडे शी वॉज बिजी अब क्या है ना इस क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्या आपको मालूम है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच बोला गया है ये किस दिन बोला गया है ये कल की बात है क्या ये एक महीने पहले की बात है या ये एक साल पहले की बात है कोई बता सकता है मुझे नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है ना कि ये कब की बात है टुमॉरो लग रहा है आपको तो उसको लग रहा होगा ऐसा कि कल की बात है नहीं ये नहीं पता कि कब की बात है तो वी कांट से दैट शी इज बिजी टुमॉरो वी cannot वी cannot से दैट सो दैट इज व्हाई आई एम बिजी को हमने लिखा है वाज बिजी टुमॉरो जो है वो क्या चेंज हो गया द नेक्स्ट डे हमें तो नहीं पता है ना कि टुमॉरो मतलब कल की बात आज हम आपको ये बात इनडायरेक्ट में बता रहे तो नहीं पता ना ये जो सेंटेंस बोला गया था डायरेक्ट स्पीच वाला Osionfish. कब बोला गया था अगर वो एक महीने पहले बोला गया था तो मैं टुमारो कल के लिए कैसे यूज कर दू तो गलत मैसेज चला जाएगा ना उसने तो मुझे एक पहले कहा था कि वो कल बिजी है अगर मैं आज आपको ये बात बोलूं कि उसने कहा है कि वो कल बिजी है तो गलत बात हो गई ना उसने ये कहा था कि वो अगले दिन बिजी रहेगी अब ये अगले दिन बोल के मैं तो फ्री हो गई ना मुझे क्या लेना देना वो कल ने कल के बारे में उसने बोला है कि एक महीने पहले के बारे में बोला है मैंने तो बस साफ साफ बता दिया कि उसने ये कहा था कि वो अगले दिन बिजी रहेगी तो so, ठीक है हमने टुमारो को चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में फाइन सो so, क्या क्या चेंज हुआ क्या क्या चेंज हुआ एक तो वही डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स कंजंक्शन दैट आई शी में बदल गया एम वॉल्स में बदल गया टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल गया तो so, इसी टाइप के चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं ठीक है अब वही जो एक्टिव पासिव के रूल्स थे सेम रूल्स इसमें लिखे हैं इस रूल्स को पढ़ लोगे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड इसको प्रैक्टिस करना होगा जैसे मैंने एक्टिव पासिव में कहा वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा गलती करोगे आंसर देखोगे समझ में आ जाएगी कि क्या गलती की नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी ठीक है चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाता है आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी She said. तो so she said पहले आ जाएगा, that आ जाएगा. She always drank coffee. Always, always रह गया. Drink का drank हो गया. ठीक है. Present continuous, past continuous में बदल जाता है. I am reading a book. He explained. He explained. अब देखो यहाँ said था, यहाँ said रहेगा. यहाँ explained है तो यहाँ explained रहेगा. क्या दिक्कत है? He explained that he was reading a book. Present perfect changes to past perfect. He has finished his work. She said that he had finished his work.

विल तो यहाँ था नहीं तो वुड कैसे बना था ना आईल है तो आई मतलब आई विल है तो शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है नेक्स्ट एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ कुछ exception है क्या एक्सेप्शन है इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ यूनिवर्सल फैक्ट और अ टेंस ऑफ द वर्ड डॉट चेंज इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ड इज इन दास्ट टेंस अब हमने यहाँ क्या सीखा कि सिंपल पास्ट क्या बन जाता है सिंपल प्रेजेंट क्या बन जाता है ये सब हमने सीखा लेकिन कोई कोई सेंटेंस ऐसे जो बदलते नहीं हैं ऐसे क्या सेंटेंसेस है जो नहीं बदलते चाहे वो सिंपल पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे कोई भी फॉर्म में कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे जो नहीं बदलते हैं ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना इस पे ध्यान दो यूनिवर्सल फैक्ट साइंटिफिक ट्रुथ अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हों ऐसी क्या चीज़ें हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक कोट है ना? Honesty is the best policy. एक quote है ना बेस्ट पॉलिसी एक कोट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो मतलब है ही तो इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मैंने आपको क्या बताया हम लोग ये चेंज जो करते हैं इसको वॉज बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी कब बोला गया था अगर एक साल पहले बोला गया हो तो इसलिए मैं कैसे इसको अभी प्रेजेंट में बता दूं लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसमें ऑनेस्टी वॉज क्यों बोलेंगे ऑनेस्टी तो हमेशा ही बेस्ट पॉलिसी रहेगी ना उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं तो इस टाइप का जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो हमेशा सेम रहेगा बदलेगा नहीं उसका इज और वर्स चेंज नहीं होता वो इज में है तो वो इज में ही रहेगा एक और देख लो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये चाहे टीचर ने कल बोला चाहे टीचर ने एक साल पहले बोला चाहे टीचर ने दस साल पहले बोला चाहे हजार साल पहले बोला ये तो सेम ही रहेगा अर्थ तो रिवॉल्व अराउंड द सन है तो ये तो बदलेगा नहीं तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे तो भी ये सेम रहेगा इस वाज़ में नहीं होगा या रिवॉल्व जो है वो या कुछ भी पास टेंस नहीं बनेगा Fine? तो देख लेते हैं कि इस के को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस्ट पॉलिसी ही सेट डाट लगाएंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमें और कुछ करना ही नहीं है द टीचर सेट The Earth revolves around the Sun. The teacher said that the Earth revolves around the Sun. कुछ नहीं करना है खाली that लगाना है और ये सब जो part है ये comma और inverted commas ये remove करने हैं ठीक है If a statement is still relevant, we can choose whether to keep the original tense or change it. कोई कोई में ना uh, सोच सकते हो आपकी चेंज करना है नहीं करना है दोनों ही करेक्ट होते हैं जैसे कि शीला सेट फ्रेंच इज ईजी टू लर्न शीला सेट दैट फ्रेंच इज और वॉज इजी टू लर्न इसमें एक ही बात है शीला ने यह बोला कि फ्रेंच ईजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए अब अगर शीला ने ये चीज मेरे को एक साल पहले भी बोला हो चाहे कल बोला हो कोई फर्क पड़ता है क्या शीला के लिए तो फ्रेंच ईजी ही है तो इसीलिए शीला सेट दैट फ्रेंच इज ईजी टू लर्न भी करेक्ट है शीला सेट दैट फ्रेंच वॉज इजी टू लर्न वो भी करेक्ट है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द डिरेक्ट स्पीच डो नॉट चेंज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा जैसे किल म्यूजिक ही सेज आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक इसका मतलब उसको तो हमेशा पसंद है तो फिर उसको पास क्यू क्यू बनाएंगे ही सेज ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक रोहित सेज आई वॉच्ड अ मूवी एट नाइट रोहित सेज दैट ही वॉच्ड मूवी एट नाइट ठीक है इसमें ये प्रेजेंट टेंस में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये सिंपल प्रेजेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट हाँ, ओके नेक्स्ट देखो क्या लिखा है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इन टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब वर्ड्स है तो ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं हियर बन जाता है देर डे बन जाता है दैट डे अब यह देखो यह मैंने आपको क्या बताया कि उसने कल बोला था पिछले साल बोला था कब बोला था इसका तो कोई भरोसा नहीं है इसलिए टाइमिंग तो हमें चेंज करके बताना पड़ेगा जहाँ पे टाइमिंग रेलिवेंट है तो अगर टुडे बोला है तो टुडे कब के लिए बोला नहीं पता ना बट टुडे मतलब उस दिन के लिए बोला है जिस दिन के लिए भी मैं बात बता रही हूँ तो वो दैट डे बन जाएगा से अगर एक एग्जाम्पल ले लेते चलो शीला सेड आई

Park that day. Can could बन गया मैम क्या ऐसा होता है हाँ can could बन जाता है जैसे will would बन जाता है और टुडे जो है वो दैट डे बन जाता है मुझे तो नहीं पता ना कि शीला ने किस दिन बताया मतलब मुझे पता है कि किस दिन बताया बट बत मैं जिसको भी बता रही हूँ मैं उसको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ शीला ने मुझे कहा था कि वो उस दिन पार्क जा सकती है वो किसी दिन के भी बारे में हो ठीक है और हियर बन जाता है देश जैसे कि सपोज शीला ने मुझे बोला था कीप द बुक हियर शीला सेड तो ये मैं किसी को और को बता रही हूं शीला सेट दैट शीला सेट टू मी कर देते हैं इसको सेट टू मी टोल्ड मी बन जाता है ठीक है शीला टोल्ड मी टू कीप बुक हर नहीं होगा देर होगा अब हर कहां पता शीला किस कहां बोल रही थी नहीं पता है ना कैसे बता दूं मैं अगर शीला तो मेरे को स्कूल में बोल रही थी मैं जाके अपनी मम्मी को बता रही हूं कि मैम मम्मी शीला ने मेरे को बोला था बुक वहां रखने के लिए देखा बुक वहां रखने के लिए बुक यहां रखने तो नहीं बोला ना बुक वहां रखने के लिए तो यर बन जाता है देर इसी तरीके से बाकी सब को भी हमें चेंज करना है ठीक है अब आप इसको ऐसे हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे ना आपको सारा आपका दूर हो जाएगा कि मम्मी उसने मेरे को बोला बुक वहां रखने के लिए मैंने रख दिया ये बन जाता है द डे बिफोर ये कल जो बीत चुका तो द डे बिफोर जिस भी दिन बात हो रही थी उसके पहले वाला दिन देख रहे हो कितना स्मार्टली लिखा हुआ है टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक बन जाता है द फॉलोइंग वीक जब भी की बात मैं बता रही हूँ उसके अगले वाला वीक नेक्स्ट मंथ जिस भी दिन की बात मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रही हूँ उसके बाद वाला मंथ नाउ बन जाता है देन जैसे सपोज शीला सेट कीप द बुक नाउ मम्मी को घर जाके बता रही हूँ मम्मी मेरे को बोलती है कि बुक अभी यहाँ रखो ठीक है तो अभी जो है बुक तभी वहां रखो मम्मी को बोलेंगे घर जाके कि मम्मी उसने मेरे को बोला तभी उसी टाइम बुक वहां रखो उसी टाइम ठीक है तो वो जो अभी है वो बन जाता है देन अगो बन जाता है बिफोर दस बन जाता है सो so. लास्ट नाइट बन जाता है द नाइट बिफोर दिस बन जाता है दैट शीला ने मेरे को बोला ये बुक वहां रखने तो शीला सेट कीप दिस बुक देर घर जाके मम्मी को बोलूंगी मेरे को बोली वो वाला बुक वहां रखने ठीक है तो वो वाला बुक वो दीस बन जाता है दोस्त कम हो जाता है को कम गो कैसे हो जाता है ये हम लोग कोई ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे तब डिसाइड करेंगे चलो नेक्स्ट करते हैं द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन टू द थर्ड पर्सन ऑफ द इन डायरेक्ट स्पीच यस जो मैंने आपको ये समझाई चुका ऑलरेडी राहुल सेज आई एम गो टू आई एम गोइंग टू थाईलैंड तो राहुल तो बता रहे कि वो जाएगा ना तो मैं कैसे यहां बता दूं कि आई मैं तो ये बोलूंगी राहुल ने कहा कि वो थाईलैंड जा रहा है तो आई बन जाता है ही तो जो राहुल है अगर राहुल यहाँ लड़का है तो ही बनेगा जो अगर यहाँ पर लड़की है तो वो शी बनेगा प्रिया सेट आई विलट नहीं लगाया गया डाट तो लगना चाहिए था देखो कहीं कहीं पर डाट नहीं भी लगाते हैं तो चलता है यहाँ पर आप लगाते तो भी करेक्ट था ओके नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सेकंड पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द और प्रोनाउंस कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब आई सेट टू सचिन यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट आई सेट टू सचिन आई सेट टू को ना हमेशा इन डायरेक्ट में हम लोग करेंगे टोल्ड इसमें भी सेट टू लिखा है बट वी विल प्रेफर अगर सेट टू दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग उसको चेंज करेंगे टोल्ड इन डायरेक्ट स्पीच में यह हो जाएगा आई टोल्ड सचिन दैट ही वुड हैव टू प्ले क्रिकेट ठीक है यू विल है विल वुड हो गया यू जो है ही हो गया मैं सचिन को बोल रही हूँ कि तुमको खेलना है ना तो सचिन तो तुम नहीं है ना अभी जब हम लोग इंडिरेक्ट कर रहे हैं सचिन तो ही है तो ही वुड है टीचर सेट टू यू यू आर रोंग टीचर सेट टू यू दैट यू आर रोंग यहां पर मैम यू का यू कैसे रहा देखो टीचर सेट टू यू यू आर रॉन्ग टीचर इनडायरेक्ट स्पीच में देख रहे हो टीचर सेट टू यू ही रह गया क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट में भी ना आप ही से बात कर रही हूं अगर टीचर ने आपको बोला था और इनडायरेक्ट में भी मैं आप ही से बात कर रही हूं तो आप चेंज नहीं हुए क्योंकि आप डायरेक्ट में भी आप हो इनडायरेक्ट में भी आप ही वो बंदे हो जिसके बारे में बात हो रही थी टीचर सेट टू यू यू आर रॉन्ग टीचर सेट टू यू यू आर रॉन्ग टीचर सेट टू यू या टीचर टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग हम लोग बात कर रहे हैं कि अरे पता है टीचर ने अरे याद है टीचर ने तुझे ऐसा बोला था ठीक है

ये तो दे वही रह गए कोई और दे होंगे किसी कुछ और लोग होंगे वुड अकंपनी देम देम क्यों हुआ क्योंकि ही लोग के साथ ही का सपोज कोई भी एक्स वाई जेड नाम है आ, राज ले लेते नाम राज ने मेरे को बता रहा था कि कुछ लोग जो है दे वो लोग उन लोग के साथ मुनासि जाएंगे मतलब राज लोगों के साथ राज और उसके फ्रेंड्स होंगे या उसका फैमिली होगा तो राज सेड दैट दे वुड अ कंपनी डेम यहाँ पर अस कौन है राज लोगों का फैमिली इसलिए यहाँ अस नहीं होगा यहाँ देम होगा दम मुनास्ट्री ठीक है ओके नेक्स्ट में आते हैं हम लोग द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड।

तो मैं जब ये वाली बात आपको बता रही हूँ एक तो वो पार्टी था थर्ड पार्टी उसने मुझे ये बात बोला अब मैं अपने बारे में आपको ये बात बता रही कि ही सेट टू मी दैट मैं झूठी हूं बिलीव मी तुम यहाँ पे तो मी मी रह जाएगा ना तो देखो ही सेट टू मी यहाँ सेट को टोल्ड करेंगे ही टोल्ड मी दैट ही डिंट बिलीव मी वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता पता उसने मुझे कहा क्या बोला कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है कि ही के नॉट बिलीव मी ही डोंट बन गया डिंट बिलीव रह गया बिलीव और यू बन गया मी यहाँ यू मी क्यों बना समझ गए आप ऐसा ही एक और है शी सेट टू हिम आई डोंट लाइक यू उसने हिम को बोला लड़की ने लड़के को बोला शी सेट टू हिम आई डोंट लाइक यू तो मैं आपको क्या बताऊंगी पता है उसने उसको क्या बोला दैट वो उसको पसंद नहीं करती दैट शी डेंट लाइक हिम तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर यू कौन बना हिम तो ये आपको ना यहाँ पर ये यह जो ऊपर जो लिखा था जो आपको नहीं समझ में आया इसका ये मतलब है कि कौन किसको क्या बोल रहा है वो ध्यान देना है तो यहाँ पर यू शी हिम को बोल रही है तो ये यू हिम बन जाएगा यहाँ पर ही मुझे बोल रहा है मी को तो यहाँ पर यू मी बन जाएगा तो ये आपको अपनी बुद्धि से समझ में आना चाहिए आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करके देख लोगे कि कौन किसको कैसे बोल रहा है तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लगाना है और बाकी तो प्रैक्टिस I said to him, I don't trust you. मैंने उसको बोला आई डों तो क्या इन डायरेक्ट बनेगाट टू यू आई डोट है क्या बात हो रही है मैंने तो आप ही से बात किया थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही है आई सेट टू यू आई डोंट हैनी थिंग फॉर यू मैं तो आपके लिए कुछ नहीं लाया आई डोंट है I said to you that I didn't have anything for you. तो यहाँ पर you you ही गया क्योंकि first जब हम लोग direct speech में बात रहे थे तो भी you you ही था आप ही थे तो indirect speech में भी आप ही रहोगे you ठीक है okay change in modals. Modals हमने पढ़ा है पहले क्या होता है can में can changes to could ये मैंने हमने ऊपर क्या I can drive a car सेट दैट ही Can जो भी रहेगा डायरेक्ट में वो कुड बन जाएगा मे बन जाएगा माइट ही सेट आई मे बाई अंप्यूटर ही सेट दैट ही सेट दैट ही एक चीज और अगर वुड है क्वेश्चन में शुड है और टू है माइट है तो वो वैसे ही रह जाएंगे कन्वर्स कन्वर्जन में चेंज नहीं होंगे जैसे कि दे सेट वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा दे सेट दैट दे वुड अप्लाई फॉर अ वीजा उन्होंने बोला था हम लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोग ने कहा कि वो लोग अप्लाई करेंगे अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी तो कोई जाम में जो चेंज नहीं है खाली दैट का फर्क है और कॉमर्स हटा रहे हैं ही सेट टू मी यू ऑट टू वेट फॉर हिम ही सेट टू मी दैट आई ऑट टू वेट फॉर हिम ओके इंपरेटिव सेंटेंसेस हमने लास्ट टाइम किए थे इंपोरेटिव सेंटेंसेस क्या है इंपोरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमांड कर रहे हैं या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं तो उस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं वी नॉट लर्न द रूल्स रूल्स पढ़ के फिर सेंटेंस ही बनाएंगे सेंटेंस पढ़ के खुद समझेंगे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका बनेगा मास्टर ऑर्डर सर्वेंट या तो एक्टिव पासिव में भी यही किया था कि इंपरेटिव का पढ़ के समझेंगे रिक्वेस्ट है तो सजेस्ट कर रहा प्लीज नहीं लगाया यहाँ पर यहाँ पर वो क्या बोल रहे एक बार में फिनिश करो ये काम अभी, के अभी फिनिश हो जाना चाहिए तो वो ऑर्डर कर रहा है तो द मास्टर द सर्वेंट टू फिनिश वर्क एट तो ऑर्डर तो आया दूसरा एक वर्ड एड हुआ टू

सेट टू बन जाता है आज डिमांडेड और इंक्वायर्ड ओबियस इंटरोगेटिव है ना तो आ, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा सेट टू बन जाता है आज डिमांड इंक्वायर्ड क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन वर्ब्स लाइक एम इज आर वॉज वर्ड एक्सेट्रा द रिपोर्टिंग वर्ड इज फॉलोड बाई एफ फॉर वेदर ये सब हम लोग रूल्स में नहीं पढ़ेंगे ये सब हम लोग डायरेक्ट करेंगे ओके okay. हाँ ये अच्छा है ये देख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इन असर्टिव सेंटेंस फॉर दैट वी प्लेस सब्जेक्ट बिफोर द वर्क हाँ एक्टिव पासिव में हम लोग क्या कर रहे थे एक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो पासिव में भी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन मार्क भी रहता है ठीक है लेकिन जब हम लोग इनडारेक्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं क्योंकि क्या होगा जैसे सपोज शिला ने मुझे कहा कि क्या तुमने खाना खाया शीला आज मी कॉमर एंड इनवर्टेड कॉमर्स डिड यू इट फूड मैं आके घर मम्मी को बता रही हूँ मम्मी पता है शिला ने मुझे पूछा था कि मैंने खाया खाना खा, खाना खाया था कि नहीं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो उसने मुझे कहा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं कोट नहीं कर रही हूँ ना मैं तो जस्ट बता रही हूँ ऐसी ऐसी बातें हुई तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं रहता क्वेश्चन जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है डेक्लेटिव सेंटेंस बन जाता है स्टेटमेंट बन जाता है ठीक है तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क हट जाता है और फुल स्टॉप लगाया जाता है में भी आस्क आ जाएगा टू नहीं लगेगा ठीक है पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल सान्या आई यू कमिंग विदेम सान्या इफ आई वॉज कमिंग विद ठीक है सान्या ने पूछा कि क्या मैं उनके साथ जा रही हूँ क्या तुम आ रही हो हमारे साथ क्या मैं उनके साथ जा रही हूँ तो इस टाइप का सेंटेंस में चेंज होता है तो इफ लगाया जाता है दैट नहीं लगाया जाता है हम लोग हैव यू एनी थिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ दूस सेट द जज टू द लॉयर जज ने लॉयर से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है अक्यूज के बिहाफ पे बोलने के लिए तो द जज इंक्वायर्ड ठीक है यहाँ पर आस्क नहीं पूछेंगे जज इंक्वायर करें ना जज तो इंक्वायरी करेगा

अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब हुए अलास बोला याद है जिसमें बहुत सारा फीलिंग रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी असर्टिव बनाएंगे इंटरजेक्शन आर रिमूव मतलब जो भी इतना ज्यादा ओवर फीलिंग वाली बातें उसको हटाई जाती है एक्सक्लेमेशन मार्क्स को चेंज कर दिया जाता है ये नहीं रहता ये फुल स्टॉप हो जाता है डब्ल्यू एच वर्ड्स लाइक वॉट एंड वेन चेंजेस इन टू एबजेक्टिव कैसे वो हम लोग देखेंगे आगे चेंजेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस ओके okay. जैसे कि मूड ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस में क्या फीलिंग है सेंटेंस में अगर ये फीलिंग है कि सोरो है ठीक है सेंटेंस में ये फीलिंग है कि सोरो है तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे एक्सक्लेम विद ग्रीफ और क्राइड आउट हैप्पीनेस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में अगर हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम विद जॉय डिलाइट एक्सक्लेम जॉयफुली सरप्राइज है अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेम विद्राइज विशमेंट द रिपोर्टर सेट अलाइवी ठीक है यहां पर क्या हो रहा है रिपोर्टर तो ये चीज बहुत ग्रीफ से बोल रहे हैं ना दुख से बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग ये बोलेंगे बेचारा बहुत दुखी था बताए बहुत दुखी होकर ऐसे ऐसा बात बोल रहा था तो द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली एक्सक्लेम्ड सैडली एक्सक्लेम्ड विद सोरोक्सक्म विद्रीफ एक्सक्लेम सोरोड आउट नहीं करेंगे यहाँ पर बेचारा रो तो नहीं रहा था बस बोल रहा था

तो बच्चा आकर अपनी माँ को बता रहे पता है आज दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है ऐसा 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 तो द ग्रैंड मदर ग्रद्लेट ह्रांड सन दैट ही शुड मीट विद सक्सेस वेर ही कोर्स मे यू मीट का यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस मे को आप माइट करो तो बस बता रही है तो ही शुड मीट विद सक्सेस वेर ही कोर्स द फॉरनर सेट वॉट मैन ओबामा इज द फॉर एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट ओबामा वॉज अ ग्रेट मैन मैम या तो ग्रेट वेट कुछ है नहीं

डब्ल्यू एच वर्ड्स लाइक वॉट एंड वेन चेंज इन टू एक्टिव वाटर मैन को हम लोग ने लिख दिया अ ग्रेट मैन या फिर अ वंडरफुल मैन भी लिखोगे तो करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट सेड इज चेंज टू विश इन केस ऑफ ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग ही विश्व मी गुड मॉर्निंग विश करते ना गुड मॉर्निंग तो उसने बोला मेरे को गुड मॉर्निंग बट मैं जब इनडायरेक्ट में लिख रही हूँ या बता रही हूँ किसी को तो ही विश्व मी गुड मॉर्निंग मे और मे गॉड kind of blessings change into wish or pray. She said to her friend, "May God grant you success in your examination." She prayed that God might grant her friend success in her examination. theek hai simple. अब indirect to direct करेंगे तो क्या करेंगे? अभी जैसे direct to indirect क्या, वही सब चीज़ follow कर लेंगे कि उल्टा उल्टा करना है. जैसे कि जब direct to indirect कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या? इन्वर्टेड कॉमर्स ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा रहे थे तो अब बैक करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स लगा देंगे ठीक है तो पुट अ कॉमा बिफोर द सेंटेंस और इंसर्ट कोटेशन मार्क्स ठीक है और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है बट क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जब डायरेक्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप सब लगेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हुआ जिसके में से सब हटा दिया है वो सब वापस लग जाएंगे ठीक है राइट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट विद कैपिटल लेटर ऊपर से देख दी यूज द रिपोर्टिंग वर्फ सेट टू टोल्ड अगर है तो वो सेट टू हो जाएगा रिमूव द कंजंक्शन दैट टू एफ वेदर वेरेवर नेसेसरी दैट वगैरह हट जाएगा क्योंकि दैट तो लगा रहे थे चेंज पास इन टू प्रेजेंट टेंस सारा उल्टा उल्टा होगा प्रेजेंट जो पास्ट बनाते थे वो पास्ट प्रेजेंट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट जैसे भी रिक्वायर्ड है चेंज द प्रोनाउंस एज पर कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटेंस बहुत सिंपल है एक बार ये सब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो इतना रूल्स याद नहीं रखना पड़ेगा खुद से ही बना लोगे ही आस्ट मी वट आई वॉज डूइंग ही सेट टू मी वट आर यू डूइंग एकदम देखो अगर मैंने आपको ये दिया होता तो आप ये बनाते ना इनडायरेक्ट को तो अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में दूंगी तो आप इस तरह से बना लोगे आस्ट मी की जगह सेट टू हो जाएगा और ये कॉमा और इन्वर्टेड uh, कॉमर्स लग जाएंगे वट आई वॉज डूइंग वट आर यू डूइंग ही ही इफ दैट हिज पेन इज दिस योर पेन रमा ऑर्डर्ड अर्जुट टू गो अवे रमा सेट टू अर्जुट गो अवे ही रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डो फॉर हिम ही सेट टू हिम प्लीज ओपन द डोर फॉर हिम रिक्वेस्टेड है ना तो प्लीज लगाएंगे ये सब याद रखना ही सेट टू मी दैट आई आई वॉज आई एम इज बेस्ट फ्रेंड ही सेट टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सीमा सेट टू हर फादर दैट शी वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर तो सीमा ने क्या कहा होगा अपने पापा से पापा आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बस यही सब है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पूरा समझ लिया है एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया है इसके ऊपर कोई एक्सरसाइजेस बुक में तो नहीं दिख रहे हैं बट एल में डले हुए हैं आप लोग एल में सॉल्व कर लेना अरे वाह मिल गया है तो चलो चलो करते हैं यहाँ आओ पेज नंबर पेज नंबर 2.22 क्वेश्चन नंबर थ्री चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू टू स्पीच ही सेज कश्मीर इज दी होगा ही सेज दैट कश्मीर इज हेवन दर्थ इज का वॉज होगा नहीं होगा क्योंकि ये काइंड ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर आप बोल सकते हो इसको ये रेलिवेंट नहीं है कश्मीर है भी और था भी एक ही बात है तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इज है तो भी करेक्ट है वॉज है तो भी करेक्ट है नेक्स्ट करो करो साथ साथ में करेंगे द शॉपकीपर सेज आर शूटिंग अप अलार्मिंगली The shopkeeper said that prices were shooting up alarmingly. She said nobody can solve the problem. She said that nobody could solve the problem. So that luck and small ho jaiga can could ho jayega. Anthony said Martin has gone home. Anthony said that Martin had gone home. She said, I shall be taking a test. she said that she would be taking she should be taking a test i think we are done iske baad aap log ye sab homework mein kar loge answers check kar lete abhi jo humne kaha right hi honge he says that kashmir is heaven on earth shopkeeper says that prices are shooting up ये देखो यहाँ पर prices are shooting up, prices were shooting up, एक ही बात है यहाँ पर देखना इन लोगों ने एक word missing करा alarmingly, alarmingly लगा लोगे She said that नो बडी कुछ सॉल्व द प्रॉब्लम एंटनी सेट दैट मार्थनेट गॉट होम एंथनी और एंटनी आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग एरर है स्पेलिंग एरर्स है प्लीज आप लोग एग्जाम स्पेलिंग एरर मत करना ग्रामर का एग्जाम एंड स्पेलिंग एरर्स जस्ट नॉट टॉलरेटेड शी सेड दैट शी वुड बी टेकिंग टेस्ट शुड शुड राइट है सो वी आर डन विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमने कर लिया फाइन अब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में आ जाएंगे हम लोग सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पूरा समझ लिया ये आप लोग खुद से कर लोगे नेक्स्ट क्या है सेट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड विच आर कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज करना ये तो बहुत ईजी है बहुत ज्यादा ये आप लोग खुद से कर लोगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है और एक्टिव पासिव करना है पासिव टू एक्टिव करना है लास्ट वाला क्वेश्चन देखो तो क्या है लिसन टू स्पीचेज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़ कॉमेंट्स एंड सजेशन बाई द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री ओके ट्राई टू चेंज इन टू रिपोर्ट स्पीच दिस एक्सरसाइज विल नॉट ओनली एड वैल्यू बट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन द टॉपिंग इन डिस्कशन सुनोगे लोगों के बारे में क्या बातें हो रही है डायरेक्ट स्पीच में लिखने की ट्राई करोगे डायरेक्ट में लिखने की ट्राई करोगे ठीक है न्यूज चैनल्स फॉलो करो इंग्लिश न्यूज चैनल्स फॉलो करो प्लीज स्टॉप फॉलोइंग ऑल दिस फेसबुक पे जो भी वीडियोज आते हैं ये सब को ध्यान मत दो ठीक है इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखो लिटरली इट विल इंक्रीज योर नॉलेज अलॉट इंग्लिश आपका बहुत फ्लुएंट करेगा आपको बहुत सारे न्यू वर्ड सुनने में आएंगे आई एम श्योर मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक बार आप जब देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी नहीं आएगी इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स एक बार में आपको समझ नहीं आएंगे आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो नहीं समझ आ रहे होंगे बट यू नो वर्ड हाउ कैन यू प्रैक्टिस दस जस्ट राइट डाउन दोज वर्ड्स जो नहीं समझ आए पाँच मिनट के लिए देखो मैं नहीं बोल रही हूँ कि बैठ के पूरा दिन देखो पाँच मिनट दस मिनट देखो जितने भी पांच दस वर्ड सुनने में आए नहीं समझ रहे उसको लिखो एंड जस्ट गूगल इट गूगल करो पहले तो क्या था कि हम लोग तो डिक्शनरी में ढूंढ ढूंढ के निकालते थे कि वर्ड्स क्या आप तो डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं आप लोग के पास स्मार्टफोन्स है गूगल करो जितने वर्ड्स आप लोग पढ़ोगे ना उतने वर्ड्स आपके वोकेब्लरी में ऐड होंगे ठीक है वोकेबलरी क्या है वोकेब्लरी उसे बोलते कि उस लैंग्वेज के कितने वर्ड्स आप जानते हो तो वोकेब्लरी बढ़ाओ इंग्लिश की वोकेबलरी बढ़ाओ मतलब इंग्लिश के और वर्ड्स जानो आपको हो सकता है इंग्लिश थोड़ी बहुत आती हो समझ में भी आती हो बोल भी लेते हो बट आप उतनी बोल पाओगे जितनी आपके माइंड में है जितने वर्ड्स आप जानते हो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप जानते ही नहीं हो तो वो कैसे बोलोगे ठीक है जैसे अपने बोला तो वाह क्या हाईफाई इंग्लिश बोल रहे हैं कितना फ्लूंट इंग्लिश बोल रहे हैं क्योंकि उसके वोकेबलरी में उतने वर्ड्स हैं आपकी वोकेबलरी में उतने वर्ड्स नहीं है तो वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए गो थ्रू न्यू वर्ड्स तो न्यू वर्ज येट फ्राम न्यूज़ चैनल्स येट फ्राम नॉवल्स यूल गेट फ्राम डीज आर न्यूज़ पेपर्स न्यूज़ पेपर्स पढ़ो अब तो क्या है कि न्यूज़ पेपर्स भी फ़ोन पर आ जाते हैं द हिंदू ऐप डाउनलोड कर लो और अ, कितने सारे सी एन बी सी ये सब ऐप्स है फ़ोन पर डाउनलोड कर लो न्यूज़ उसी में सुन लो न्यूज़ पढ़ो लिटरेली न्यूज़ पढ़ो द हिंदू और भी कितने ऐप्स है जिसमें आप रीड uh, करोगे इससे बेटर आप उसको सुन भी सकते हो उसमें ना एक ऑप्शन रहता है कि यू कैन हियर द न्यूज़ तो दैट्स इवन बेटर यू लर्न नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ठीक है डू दिस नेक्स्ट चैप्टर हम वैसे भी वोकाबलरी करने वाले हैं तो उसके पहले ट्राई टू इंक्रीज योर वोकेबलरी एक दिन में वोकेबलरी कब भी नहीं बढ़ता एक दिन दो दिन एक हफ्ते में नहीं बढ़ेगा कंसिस्टेंट रहो एवरी डे फाइव मिनट्स जस्ट पांच मिनट अपने दिन का निकालो एंड गिव इट टू वोकेबलरी ठीक है लोग बोलते हैं मैम टाइम नहीं मिलता पढ़ाई है ये है देखो पांच मिनट सबको मिलते हैं इफ यू डू नॉट यूज योर टाइम नाउ आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के आप लोगों का वकाबलरी इतना कम रहेगा हाउ विल यू पीपल सर्वाइव हाउ विल यू पीपल कम्युनिकेट ठीक है हिंदी में बात करते रह जाओगे वो वोनाकिलो में बात करते रह जाओगे एंड फिर आपको लगेगा अरे मैं तो वोनाकिलो मीडियम से हूँ हिंदी मीडियम से हूँ हमें तो चांस नहीं मिलता ऐसे बोलने से नहीं होगा अभी तो आपका सी का एकदम स्टार्टिंग फेज है अभी बहुत टाइम है आगे तो लिटरली एकदम टाइम नहीं मिलेगा बट अभी वकाबलरी बढ़ाओ ठीक है फाइव मिनट्स टेन मिनट्स रीड एवरी डे एंड आई सजेस्ट ईच डे इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट टू uh, रात को पढ़ के सोना ठीक है रात को पढ़ के मतलब मैं ये नहीं बोल रही पढ़ाई करके रात को एटलीस्ट एक पैराग्राफ पढ़ के सो मेक इट अ हैबिट लिटरली इट विल हेल्प यू अ लॉट एवरी डे मेक इट अ हैबिट कि एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ पढ़ के ही मुझे सोने की आदत है कुछ दिन ये करोगे ना हैबिट पड़ जाएगी पढ़ाई भी हो जाएगी नींद भी अच्छी आएगी ठीक है अगर आप रात को कुछ भी पढ़ के सोते हो ना नींद बहुत अच्छी आती है एंड देन वो रजिस्टर हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ठीक है तो मेक इट अ हैबिट टू रीड एटलीस्ट अ फ्यू लाइन्स अ चैप्टर ऑफ एनी नावल्स कुछ भी नॉवेल्स पढ़ो यार बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ है बायोग्राफीज है पढ़ो उनके बारे में आपको पता चलेगा हाउ डिड दे रीच टू डैट लेवल आपके जो भी फेवरेट पर्सनस हैं जो भी आपके फेवरेट लोग हैं जिनके जैसे आप बनना चाहते हो उनकी बायोग्राफीज निकालो उसको पढ़ो ठीक है यूल गेट अ लॉर्ड ऑफ नॉलेज एंड इंग्लिश तो साथ साथ में इम्प्रूव होगी आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान है जिनाफ Next day we'll start vocabulary. Thank you so much.